वेलकम बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सिक्स के मैथ का चैप्टर वन का अभ्यास ए। ठीक है, इस वीडियो में हम अभ्यास वन ए को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास वन बी को सॉल्व करेंगे। ओके, इस चैप्टर में हमें टोटल दो अभ्यास दिए हुए हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। ठीक है, संख्या को किसमें व्यक्त करना है? संख्यांकों यानी अंकों में। ठीक है बच्चों, किसमें व्यक्त करना है हमें? अंकों में। पहली संख्या है 427, तो हम लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे? 427, तो पहले हम 27 लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? हम पहले 27 लिखेंगे। अब देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी अब हमें जिस अंक की एंट्री करनी है वो सैकड़े पे, तो 400, तो हमने लिख दिया 4, तो हमारी संख्या होगी 427। नेक्स्ट संख्या है हमारी 3501। अब देखिए 3501, यहाँ पे क्या है? केवल एक, 100 के बाद क्या है? एक, तो आप पहले लिख लीजिए एक। अब आप देखिए, क्या यहाँ पर दहाई के स्थान पे कोई है? इकाई के स्थान पे एक हो गया, लेकिन दहाई के स्थान पे कुछ है? कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। फिर सैकड़े के स्थान पे क्या है? 5। छोटे बच्चों को, जिनको अभी अच्छे से समझ भी नहीं आया, वो इसी तरह करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा लिख के रफ कॉपी में। फिर हजार में हमारी कौन सी पोजीशन है? 3000, यानी केवल 1000 तक है, तो 1000 में लिखेंगे हम 3, तो अब हमारी संख्या होगी 3501। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 351 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकाई दहाई डिनोट नहीं किया होता है, इसीलिए इससे बचने के लिए हम हमेशा इकाई और दहाई को डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 15, हमारी टेक्निक के हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, तो इकाई के स्थान पे हम लिखेंगे क्या? 15 में कै दहाई कै इकाई, तो एक दहाई 5 इकाई। ठीक है बच्चों, और 100, तो सैकड़े के स्थान पे एक। अब आप देखिए, हमारी संख्या बन गई 115। आगे बढ़ते हैं, 79029। अब इसको कैसे लिखना है? हम सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिख लें इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब आप देखिए 79 है, तो यानी हजार में भी 10000 आ रहा है, और 10000। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे 29 में कै दहाई कै इकाई, तो 2 दहाई 9 इकाई। सैकड़े के स्थान पे कुछ है? कुछ नहीं है, तो 0। फिर हमें लिखना है 79000, तो 79 में कै दहाई कै इकाई? 7 दहाई 9 इकाई। ठीक है, इस तरह से करने पे आप गलती से बच सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 का कॉलम जरूर बनाएं, तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रश्न 2 का आ, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें संख्याओं को क्या करना है? शब्दों में लिखना है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 7000, सैकड़े पे कुछ है? कुछ नहीं, तो, और एक दहाई नौ इकाई को हम क्या पढ़ते हैं? 19, तो 7019, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 7019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संख्या पढ़ते हैं। यहां पे भी देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, तो आपको पता है कि हजार 10000 को और इनको हम जोड़ के पढ़ते हैं, तो 23000। अब सैकड़े पे कुछ है? कुछ नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे, और 13, तो हमारी संख्या क्या हो गई? 23013। इन सबको आपको एक रफ कॉपी बनानी है और उसमें नोट करते चलना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ, चलिए पढ़ते हैं। 69379। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको, 69
हजार तीन सौ उन्यासी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। अब देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, और ये चूंकि अकेले तो अकेले पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार और लाख। तो आठ लाख तिरानबे हजार, अब सैकड़े पे कुछ नहीं है तो हमें पढ़ना ही नहीं है, उनसठ। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं, आठ लाख तिरानवे हजार, तिरानवे हजार उनसठ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बा नीचे लिखे वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में, अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे इसको, सौ जीवाणु अंडे, हजार जीवाणु कोश, और उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, दस लाख जीवाणु तथा एक करोड़ विषाणु होते हैं। कैसे पढ़ा हमने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो ये दस लाख और ये एक करोड़। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, पहली संख्या जो हमारी यहां आई ये क्या है, एक सौ, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, एक हजार, तीसरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो दस लाख, और चौथी क्या हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, तो एक करोड़। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें से हमें अंकों को छांटना है, तो पहले हम एक साइड में संख्या लिख लेंगे और दूसरे साइड में अंक, अब इसके अंकों को हम लिखेंगे। अब आप देखिए ये संख्या है दस, इसमें अंकों कौन कौन से अंकों का इस्तेमाल हुआ है, दो अंक हैं, पहला है वन और दूसरा है जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ग्यारह, और इसमें कौन सी संख्याओं का यूज हुआ है, एक और एक, ये संख्या क्या है अठारह, इसमें एक और आठ, यह संख्या है शून्य, तो इसमें केवल एक अंक का प्रयोग हुआ है शून्य, यह संख्या है तीन, इसमें भी केवल एक अंक का प्रयोग हुआ है जो कि है तीन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक दो तीन से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यह क्वेश्चन दूसरे अंकों के साथ मैंने आपको अपने पहले वीडियो में करा रखे हैं, लेकिन यहां पे भी मैं डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी एक दो तीन, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हम बना लेंगे, इन दोनों की जगह बदल देते हैं, एक सौ बत्तीस। तीसरी संख्या हो गई हमारी, थ्री को आगे कर देते हैं, तीन सौ बारह। चौथी संख्या हमारी हो गई, इन दोनों के क्रम बदल देते हैं, तीन सौ इक्कीस। पांचवी संख्या हमारी हो गई, दो को आगे कर देते हैं, दो सौ इकतीस। और अगली संख्या हमारी हो गई, इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, 213। अब देखिए इन छह संख्याओं के अलावा कोई और संख्या इस नंबर से नहीं बन सकती, हमने सब ट्राई कर लिया, अब अगर हम इसको फिर आगे करते हैं तो ये 321 बन जाएगी जो कि पहले से नोटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 035 से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया है कि जब शून्य होता है तो शून्य को आगे नहीं रखते हैं, तो पहली संख्या हमारी हो गई 305। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, इन दोनों को बदल देते हैं, 350। तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी, पाँच को आगे कर देते हैं, 530। और चौथी संख्या हमारी हो जाएगी 503। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन पाएगी क्योंकि जैसे ही हम जीरो को अगर आगे लिखते हैं तो ये
35 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि 6705 से चार अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसका नियम मैंने आपको बता रखा है, फिर बता देती हूं। जब शून्य होता है संख्याओं में तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम कौन सा क्रम फॉलो करते हैं? हम अवरोही क्रम फॉलो करते हैं, यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे 7, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा 7 के बाद सबसे बड़ा कौन है 6, उसके बाद उससे बाद में कौन सबसे बड़ा है तो 5, और सबसे आखिरी में हम शून्य को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई 7650। इससे बड़ी कोई संख्या इन चारों अंकों से नहीं बन सकती। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या पे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम आरोही क्रम को फॉलो करते हैं, यानी सबसे छोटे नंबर को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर शून्य है, शून्य वाले में हम क्या करते हैं, शून्य के बाद जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद दूसरे स्थान पे हम शून्य को लिख देते हैं, फिर उससे बड़ी 6, और फिर सबसे बड़ी 7। तो 5067 इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अगला प्रश्न हमारा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। मैंने आपको बताया है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 बार 9। तो लिख देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार 9। पढ़ेंगे क्या इसको हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, तो 5 अंक की चाहिए, 1 तो ये हो गया, उसके बाद 4 शून्य लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये कौन सी संख्या हो गई, 10,000। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है हमारा, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान मैंने आपको बताया है कि वह जिस स्थान पे हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वही उसका स्थानीय मान होता है। चलिए हम निकाल लेते हैं, 5231 में 1 का स्थानीय मान, तो आपको पता है इकाई के स्थान के स्थानीय मान के लिए उसमें 1 का गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1। फिर 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुणे दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे, 30। 2 का स्थानीय मान, 2 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, तो 100 से गुणा करेंगे, 200। फिर 5 का स्थानीय मान, चूंकि 5000 के स्थान पे, तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे और उत्तर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला 6 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6। दूसरा 6 सैकड़े के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 × 100 = 600। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 3 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, तो दहाई के स्थान पे है तो 3 × 10 = 30। दूसरे 3 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पे है तो 3 × 100 = 300। तीसरे 3 का स्थानीय मान 3 × 1000, चूंकि 1000 के स्थान पे है तो 3000। अब हम इन सब का योगफल निकाल लेते हैं, 3000, 300 और 30 का जोड़ लेते हैं, उत्तर हो जाएगा 3330। 11वां प्रश्न है, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल निकालिए। ठीक, तो पहले 2 का स्थानीय मान 2 × 1 = 2, दूसरे 2 का स्थानीय मान 2 × 10 = 20, तीसरे 2 का स्थानीय मान 2 × 100 = 200, चौथे 2 का स्थानीय मान 2 × 1000 = 2000, और
पांचवें का स्थानीय मान 2 × 10,000 बराबर 20,000। अब इसका हम टोटल अगर कर लें तो 2, 2, 2, 2 और 2, फिर वही संख्या 22,222 हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 545 में प्रयुक्त प्रथम पांच और द्वितीय पांच के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पांच का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई के स्थान पे है तो 5 × 1 बराबर 5। दूसरे पांच का स्थानीय मान होगा 5 × 100, चूंकि ये 100 सैकड़े के स्थान पे है, बराबर 500। अब हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 4। ठीक है, तो 9 यहाँ उतर जाएगा और 4, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 495। यहाँ पे अभ्यास 1A खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अभ्यास 1B का होगा।